हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त विक्रम। आज हमारे पास आई हुई है मारुति सुजुकी वैगनार न्यू मॉडल। इसके अंदर हम करने वाले हैं जनरल सर्विस और मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा इसकी सर्विस की प्राइस के बारे में और इसकी हमने सर्विस कैसे की है इसके बारे में। आप मेरी वीडियो को एंड तक देखते रहें ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि हमने सर्विस के साथ दो ऑफर भी दिए हैं। वो कौन से दो ऑफर हैं ये भी मैं आपको दिखा सकूं। के सस्पेंशन को सस्पेंशन जो है इसके आगे के वो ठीक है, पीछे के जो शॉकर है वो भी ठीक है, इसके आगे के जो आर्म है वो थोड़े थोड़े से कटे हुए हैं। एक बार जब गाड़ी नीचे हो जाएगी जब मैं आपको दिखाऊंगा कि उन आर्मों की कंडीशन कैसी है। तो एक बार इसके इंजन ऑयल को ड्रेन कर लेते हैं। ये इसका पुराना इंजन ऑयल है, आप देखते हो काफ़ी लंबे टाइम से शायद सर्विस नहीं हुई है क्योंकि जो इंजन ऑयल है काफ़ी गाढ़ा हो चुका है इसका। इसका पुराना ऑयल फिल्टर है, इसको भी निकाल लेते हैं। ये भी इसका ख़राब हो चुका है, इसको भी चेंज करेंगे। ये इसके सर्विस के न्यू जेनमैन पार्ट है, सारे के सारे इनको ही हम इसके अंदर चेंज करेंगे। ये इसका ऑयल फिल्टर है, ये एयर फिल्टर है इसका और ये ऑयल है इसका। ये इसका नया ऑयल फिल्टर है। हम इसके फ्रंट के बैरिंग को और चेक कर लेते हैं कि बैरिंग में कोई दिक्कत नहीं। बैरिंग इसका ठीक है, बिल्कुल कोई आवाज नहीं है बैरिंग के अंदर। इसके ब्रेक पैड और खोल के चेक कर लेते हैं कि ब्रेक पैड के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेक पैड इसके बिल्कुल घिसे हुए हैं, लास्ट चल रहे हैं इसके, इसकी वजह से इसके डिस्क के ऊपर काफी ज्यादा निशान आ चुके हैं। इसके फ्रंट के ब्रेक पैडों को चेंज करने के लिए कस्टमर से एक बार बात करेंगे, उससे उनसे डिस्कस करेंगे। ये एक बार इसके रियर के बैरिंग को और चेक करें, बैरिंग के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, बैरिंग बिल्कुल ठीक है इसका। ब्रेक शू और खोल के चेक कर लेते हैं, ब्रेक शू भी इसके ठीक है। जो ड्रम है वो फेसिंग मांग रहे हैं क्योंकि उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा लाइनिंग पड़ रखी है, इसके लिए भी हम कस्टमर से एक बार बात करेंगे, उसके बाद हम इसको फिट करेंगे। पीछे के ब्रेक शू भी क्लीन करके दोबारा फिट कर रहे हैं इसके अंदर। ये फ्रंट के ब्रेक पैड क्लीन करके वापस फिट कर रहे हैं। और ये इसका पुराना एयर फिल्टर है, आप देख सकते हो, लगता है काफ़ी लंबे टाइम से सर्विस नहीं हुई है। देख सकते हो आप कितनी डस्ट भरी हुई है इसके अंदर, काफ़ी ज़्यादा गंदगी भरी है। इसके चेक करते हैं स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है। कई बार स्पार्क प्लग के अंदर कार्बन आ जाता है, उनकी वजह से स्पार्क प्लग शॉर्ट भी हो जाते हैं, तो उनको और खोल के चेक कर लेते हैं। इसके जो स्पार्क प्लग हैं वो ठीक है, इनके स्पार्क प्लगों को क्लीन करके दोबारा फिट कर देते हैं इसी के अंदर। ये हम इसके अंदर न्यू इंजन ऑयल डाल रहे हैं मोविल का, काफ़ी अच्छा होता है ऑयल, इसका ही ऑयल डालते हैं हम या फिर हम कैस्ट्रॉल का ऑयल डालते हैं। मोविल और कैस्ट्रॉल दोनों ही बढ़िया ऑयल है। एक बार ड्रिप से इसके ऑयल को और चेक कर लेते हैं, ऑयल का लेवल पूरा है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं इस टोटल बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा कार्बन भरा हुआ है, इसको और क्लीन करेंगे प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये सर्विस के पैकेज में तो नहीं होती है मगर ये एडिशनल होती है। ये हमने इस कार के साथ सर्विस में ऑफर दे रखा है टोटल बॉडी क्लीन करने का। अगर आप बाहर मार्केट में टोटल बॉडी क्लीन कराते हैं तो 300-400 रुपये का खर्चा आता है कम से कम इसका, जिसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। अभी देख सकते हैं पूरा क्लीन कर दिया है हमने, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से साफ हो चुकी है टोटल बॉडी। इसका न्यू एयर फिल्टर है, इसको और फिट करते हैं फटाफट से क्लीन करके एयर फिल्टर बॉक्स को। ये इसका कूलेंट टॉप अप कर रहे हैं। ये हम इसका ब्रेक ऑयल टॉप अप कर रहे हैं। ये इसका हम इसके अंदर वाइपर फ्लूइड का फ्लूइड डाल रहे हैं। फाइनली पूरी गाड़ी की सर्विस कंप्लीट हो चुकी है। इसकी जो सर्विस का जो प्राइस था वो था 2894, इसके साथ हमने 500 रुपये में इसकी पूरी गाड़ी की रबिंग पॉलिश और इंटीरियर ड्राई क्लीन कंप्लीट दी है। अगर आप भी अपनी गाड़ी पे सर्विस कराने की सोच रहे हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर अपनी वेबसाइट का लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके आप गाड़ी जो कि एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और हमारे यहाँ की सर्विस के साथ ऑफरों का लाभ भी उठा सकते हो। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।